हेलो फ्रेंड्स, सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के लास्ट 5 वीडियोस में हमने स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बेसिक कंसेप्ट को समझा, हुक्स लॉ क्या होता है उसको डिस्कस किया था, इलास्टिक कांस्टेंट्स के बारे में मैंने डिस्कस किया था, इलोंगेशन ऑफ बार क्या होती है उस पे बेस्ड जो डेरिवेशंस होते हैं मैंने वो आपको कराए थे, सेल्फ वेट के कारण इलोंगेशन की बात की थी और कई सारे न्यूमेरिकल्स आपने सॉल्व किए थे। ठीक, अब आज हम इलोंगेशन ऑफ बार पे बेस्ड न्यूमेरिकल करते हैं थ्रू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मैंने इलोंगेशन ऑफ बार के क्वेश्चन किए हैं पहले भी, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के थ्रू नहीं किए थे। आज मैं आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के थ्रू इलोंगेशन ऑफ बार पे बेस्ड न्यूमेरिकल कराता हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यहाँ पे ए स्टील रेक्टेंगुलर बार हैज 3 सेगमेंट्स एज शोन इन फिगर। Determine the total elongation of the bar. Take ES is equal to 2×10⁵ Newton per millimeter square. Clear? और ये एक बार दे रखी है जिसके 3 different segment हैं, तीनों का cross sectional area अलग है, तीनों की length अलग है और तीनों पे forces भी अलग लग रहा है। ठीक है, अब मुझे total elongation पूछा है और हम जानते हैं कि total elongation calculate करना चाहते हैं तो elongation delta is equal to PL upon AE होता है, लेकिन यहाँ पे तीनों सेगमेंट पे एरिया, लेंथ और पी तीनों वैल्यूज अलग अलग हैं, तो फिर तीनों सेगमेंट में जो चेंज इन लेंथ होगी वो भी अलग अलग होगी, तो फिर आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते। हमें तीनों पोर्शन के अलग अलग इक्विलिब्रियम डायग्राम ड्रॉ करना होंगे, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना होंगे और उसके बाद तीनों सेगमेंट में चेंज इन लेंथ कैलकुलेट करना होगी और फिर आपको जब तीनों इलोंगेशन या कॉन्ट्रेक्शन को ऐड करोगे तब जाके आपको फाइनल चेंज इन लेंथ मिलेगी इस बार के अंदर। क्लियर, तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको साइन कन्वेंशन बताता हूँ कि हम फोर्सेस के लिए कौन सा साइन कन्वेंशन लेना चाहिए। देखिए, हमेशा याद रखिएगा कि जब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की हम बात करते हैं, मतलब सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो इक्वेशन यूज करते हो आप हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम इक्वेशन, तो फिर टुवर्ड्स राइट फोर्सेस को पॉजिटिव कंसीडर करिएगा और टुवर्ड्स लेफ्ट को नेगेटिव। ठीक, ये हमेशा याद रखिएगा। इसी तरह से जब हम सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू जीरो यूज करते हैं, मतलब वर्टिकल इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करते हैं, तो फिर अपवर्ड फोर्सेस को पॉजिटिव और डाउनवर्ड फोर्सेस को नेगेटिव कंसीडर करिएगा। क्लियर, अब एक चीज़ ध्यान रखना कि जब ये फोर्सेस मिल जाते हैं तो किसी ब्लॉक के ऊपर अगर इस तरह के फोर्स लग रहे हैं, मतलब बाहर निकलते हुए फोर्स मिल रहे हैं, तो फिर हम बोलेंगे कि वो टेंसाइल फोर्स है। क्लियर, मतलब वो फोर्स उस ब्लॉक को इलोंगेट कर देगा। क्लियर, और अगर फाइनल फोर्सेस किसी ब्लॉक के ऊपर अंदर जाते हुए तो फिर हम बोलेंगे कि वो कंप्रेसिव फोर्स है, मतलब उस फोर्स के कारण वो ब्लॉक के अंदर कंप्रेशन होगा। क्लियर, तो ये ध्यान रखिएगा कि इस तरह के फोर्सेस हैं तो टेंसाइल है, इस तरह के फोर्सेस हैं तो कंप्रेसिव है उस ब्लॉक के ऊपर। अब हम जानते हैं कि कोई भी बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है, मतलब उसके ऊपर लगने वाले हॉरिजॉन्टल फोर्सेस या वर्टिकल फोर्सेस का समीशन जीरो होगा। यहाँ पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लग रहे हैं तो हम एक इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करते हैं, समीशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो भी फोर्सेस हैं उन सब का समीशन जीरो। तो फिर यहाँ पे एक अननोन पी दिख रहा है, वो कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक, उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए क्या होगा, इक्वेशन मैंने यूज़ की और टुवर्ड्स लेफ्ट फोर्सेस को नेगेटिव और टुवर्ड्स राइट को पॉजिटिव बोला, तो 120 टुवर्ड्स लेफ्ट लग रहा है तो माइनस आया, ये 220 प्लस आएगा क्योंकि टुवर्ड्स राइट लग रहा है, और ये P3 टुवर्ड्स लेफ्ट लग रहा है तो माइनस लिख लिया मैंने, और ये 160 का टुवर्ड्स राइट लग रहा है तो प्लस आ गया। क्लियर, अब जब ये इक्वेशन मिल गई आपको तो इस इक्वेशन से जब आप सॉल्व करोगे तो P की वैल्यू हो गई 260 आई, मतलब हमने P3 की जो वैल्यू ली थी वो टुवर्ड्स लेफ्ट एज्यूम की थी या दिया हुआ है, तो ये पॉजिटिव आया, मतलब एज एज्यूम देयरफॉर टुवर्ड्स लेफ्ट, मतलब इसकी वही डायरेक्शन होगी जो इस पे लग रही है। क्लियर, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू मिली है। यहाँ तक क्लियर, तो जब P3 मिल गया तो अब हम इलोंगेशन ऑफ बार की बात करते हैं। तो चलिए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को किस तरह से अप्लाई करना चाहिए मैं उसकी बात करता हूँ। तो सबसे पहले हम हर सेगमेंट का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा इक्विलिब्रियम ऑफ ईच ब्लॉक, मतलब ईच सेगमेंट के हम इक्विलिब्रियम डायग्राम को ड्रॉ करते हैं, उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने AB का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, तो उस AB ब्लॉक के ऊपर जो जो फोर्सेस लग रहे हैं हम सबको लगा देते हैं,
तो देखिए यहाँ पे टूवर्ड्स लेफ्ट जो है वो 120 का फोर्स लग रहा था, तो मैंने इस फेस पे 120 का फोर्स लग रहा है तो 120 का लगा दिया। अब ये जो फेस है बी फेस जो है, ठीक है, इस फेस पे जो जो फोर्स इस ब्लॉक पे दिख रहा है मैं सब लगा देता हूँ। तो देखिए 220 का टूवर्ड्स राइट लग रहा है, मैंने टूवर्ड्स राइट लगा दिया। ये पी मतलब 260, ये टूवर्ड्स लेफ्ट लग रहा है तो टूवर्ड्स लेफ्ट लगा दिया। और इस 160 का फोर्स टूवर्ड्स राइट लग रहा है तो ये 160 पे लगा दिया। क्लियर? अब 120 इस फेस पे सिर्फ एक ही फोर्स है तो वो लगा दिया मैंने, टूवर्ड्स लेफ्ट लग रहा है तो टूवर्ड्स लेफ्ट ही लग रहा है ये। क्लियर? लेकिन ये जो राइट फेस है ए बी ब्लॉक में उसके ऊपर तीन फोर्स लग रहे हैं, तो इसमें साइन कन्वेंशन लगा लेते हैं। कौन सा? टूवर्ड्स राइट को पॉजिटिव, टूवर्ड्स लेफ्ट को नेगेटिव। तो देखिए ये प्लस 220 लिखा मैंने क्योंकि टूवर्ड्स राइट है, ये टूवर्ड्स लेफ्ट लग रहा है तो माइनस 260 आ गया, और ये 160 का टूवर्ड्स राइट है तो प्लस 160 आया। इन सबको ऐड कर दीजिए तो ये वैल्यू आई आपके पास में प्लस 120। प्लस 120 आई मतलब टूवर्ड्स राइट लगेगा। क्लियर? इस फेस पे टूवर्ड्स राइट लग रहा है, इस फेस पे टूवर्ड्स लेफ्ट लग रहा है, मतलब इस पे टेंसाइल फोर्स लग रहा है, ठीक है, और इसीलिए मैंने इसको पॉजिटिव बोल दिया। क्लियर? अब आगे चलते हैं और बीसी ब्लॉक के इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। तो बीसी ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं उसकी बात करता हूँ। देखिए ये जो बी फेस है इस पे ये 120 लगा दीजिए तो ये 120 लग गया, और इस फेस पे ये 220 भी लग रहा है तो 220 लगा दिया मैंने। बस ये ध्यान रखिएगा कि 120 टूवर्ड्स लेफ्ट लग रहा था और ये 220 जो है टूवर्ड्स राइट लग रहा है तो ये टूवर्ड्स राइट लगा दिया। क्लियर? अब ये जो सी फेस है इस पर कौन कौन से फोर्स आएंगे? ये पी फोर्स आएगा और ये 160 का आएगा, तो पी क्या लग रहा है? टूवर्ड्स लेफ्ट, तो टूवर्ड्स लेफ्ट लगा दिया। और ये जो 160 का है ये टूवर्ड्स राइट लग रहा है तो टूवर्ड्स राइट लगा दिया। क्लियर? अब इस वाली फेस पे दो फोर्स हैं तो क्या आएगा? ये टूवर्ड्स लेफ्ट मतलब माइनस 120 आया, और ये टूवर्ड्स राइट लग रहा है तो प्लस 220 आया। दोनों का सम कर लीजिए तो 100 आया, मतलब यहाँ पे 100 वैल्यू है। क्या है ये? प्लस 100 है, प्लस 100 मतलब टूवर्ड्स राइट, तो ये टूवर्ड्स राइट लग गया। क्लियर? इसी तरह से ये जो सी फेस है इस पे भी दो फोर्स लग रहे हैं। अब वो फोर्स कौन से है? ये टूवर्ड्स लेफ्ट मतलब माइनस 260, और ये टूवर्ड्स राइट मतलब प्लस 160। क्लियर? तो देखिए ये वैल्यू क्या आई? ये वैल्यू जो आई ये आ गई आपके पास में माइनस 100, माइनस 100 आई मतलब टूवर्ड्स लेफ्ट लगेगा, तो ये टूवर्ड्स लेफ्ट आ गया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा यहाँ से जो भी निकलेगा वो साइन देखिए, और जो साइन आएगा उस डायरेक्शन फोर्स लगा देंगे, तो मैंने इस डायरेक्शन में लगा दिया। अब जब मैंने पूरे ब्लॉक बीसी को देखा तो उस पर दोनों फोर्सेस अंदर जाते हुए मतलब वो कंप्रेसिव है, तो मैंने नेगेटिव लिख दिया। देखिए इस तरह के मतलब नेगेटिव लिख दिया। क्लियर? अब एक लास्ट पोर्शन हम सी डी के फ्री बॉडी डायग्राम की को ड्रॉ करते हैं, तो ये मैंने बनाया। अब इस सी फेस पे जो जो फोर्स आपको इधर दिख रहे हैं इस साइड वो सब लगा देता हूँ। तो देखिए कौन कौन से फोर्स दिख रहे हैं? इधर 120 का लग रहा है टूवर्ड्स लेफ्ट, वो 120 का लगा दिया। ये 220 का टूवर्ड्स राइट लग रहा है तो 220 का लगा दिया। और ये जो P फोर्स है ये टूवर्ड्स लेफ्ट लग रहा है तो ये टूवर्ड्स लेफ्ट लगा दिया। क्लियर? और इस डी वाले फेस पे एक ही फोर्स है तो वो टूवर्ड्स राइट लग रहा है, वो टूवर्ड्स राइट लगा दिया। अब इन तीनों फोर्सेस का सम कर लेते हैं। ठीक है, कैसे सम करोगे? ये टूवर्ड्स लेफ्ट लग रहा है तो माइनस आ गया, ये टूवर्ड्स राइट लग रहा है तो प्लस आ गया, और ये 260 का टूवर्ड्स लेफ्ट लग रहा है तो माइनस आ गया। इन सबको जब आपने ऐड किया तो जो फाइनल वैल्यू आई वो आ गई माइनस 160। ये देखिए कर लीजिए इसको, माइनस 160 आया, और जब माइनस 160 आया मतलब टूवर्ड्स लेफ्ट, तो ये टूवर्ड्स लेफ्ट लगा दिया। क्लियर? और इस फेस पर तो टूवर्ड्स राइट लग ही रहा है तो टूवर्ड्स राइट लग रहा है 160 का। क्लियर? तो ये सी डी पोर्शन भी इक्विलिब्रियम में, और हर जब आप कैलकुलेट करके निकालोगे तो हर पोर्शन अपने आप में इक्विलिब्रियम में आएगा, मतलब उसकी लेफ्ट फेस और राइट फेस पे फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा और अपोजिट डायरेक्शन का होगा। क्लियर? अब देखिए जब मैं सी डी ब्लॉक को देखा तो इस पे टेंसाइल फोर्स लग रहा है, क्यों? क्योंकि दोनों फोर्सेस बाहर निकलते हुए इसमें से, तो देखिए टेंसाइल है। क्लियर? तो टेंसाइल और कंप्रेशन फोर्स किसी भी ब्लॉक पे किस तरह से कैलकुलेट करते हैं मैंने उसकी बात की। अब डेल्टा इज इक्वल टू, हम जानते हैं कि टोटल चेंज इन लेंथ इस बार के अंदर क्या होगा, डेल्टा ए बी प्लस डेल्टा बी सी प्लस डेल्टा सी डी। ठीक, इसमें डेल्टा इज इक्वल टू होता है पी एल अपॉन ए, इसमें से तीन क्वांटिटीज वेरी कर रही हैं तो मैंने तीनों के आगे ये लिख दिया और ई कॉन्स्टेंट है। क्लियर? तो देखिए डेल्टा ए बी मतलब पी ए बी
इंटू एल ए बी अपॉन ए ए बी, ये लिख दिया, क्योंकि तीन वैल्यूज वेरी हो रही हैं तो मैंने वो ये लिख दिया, क्लियर। इसी तरह से ये फॉर्मूला बन गया। आप इसमें वैल्यूज पुट कर लीजिए, तो सिर्फ आपको फोर्सेस और लेंथ पुट करना है। वन बाई मैंने बाहर निकाल दिया, और उस ए बी पर 120 फोर्स लग रहा है, किलो में लग रहा है तो 10^3 लिख दिया, और ई जो है यहाँ पे न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में है, इसलिए वैल्यूज को सबको मैंने मिलीमीटर में पुट कर दिया। तो ये 0.75 मीटर था, तो 750 मिलीमीटर आ गया, और जो क्रॉस सेक्शन है वो 40x40 है, तो ये 40x40। यहाँ पे माइनस इसलिए आया क्योंकि वो कंप्रेशन है, ठीक है। तो ये कंप्रेसिव फोर्स के लिए लिख लिया, ये आ गया, ठीक। बस इसमें ये ध्यान रखना कि इस इक्वेशन में साइन कन्वेंशन एक ही आएगा, एक ही आएगा मतलब या तो फोर्स के लिए या कॉन्ट्रेक्शन के लिए। मैंने फोर्स के लिए लिखा है, ये 100 जो है वो कंप्रेसिव फोर्स है, इसलिए माइनस आ गया, क्लियर। तो फाइनल जो डेल्टा आया वो आ गया आपके पास में +0.55 मिलीमीटर, मतलब टोटल प्लस मतलब एक्सटेंशन, तो टोटल एक्सटेंशन ऑफ द बार इज इक्वल टू 0.55 मिलीमीटर, क्लियर। अब देखिए, लेकिन इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो अगर आपको सेमेस्टर के एग्जाम में आता है तो तब तो आप इसी तरह से सॉल्व करोगे, लेकिन अगर मान लीजिए गेट में क्वेश्चन आता है या इंजीनियरिंग सर्विसेज में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो फिर कैसे सॉल्व करोगे, मैं एक शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूँ आपको। याद रखिएगा कि अगर ए बी ब्लॉक का मुझे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, तो उस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स इस डायरेक्शन में लगा दीजिए, ठीक है। सबसे पहले ए बी ब्लॉक को कंसीडर करिए, और जितना फोर्स उस फेस पे लग रहा है उतना ही फोर्स इधर लगा दीजिए, तो वो ए बी का फ्री बॉडी डायग्राम बन गया, ठीक है। उसी तरह से फिर लीजिए सी डी पोर्शन, मतलब सबसे राइट वाला पोर्शन कंसीडर करिए, तो फिर जब सी डी पोर्शन को लोगे तो उसमें जो फोर्स इधर लग रहा है उतना ही फोर्स इस डायरेक्शन में लगा दो, आया समझ में। तो दोनों पोर्शन के फ्री बॉडी डायग्राम बन गए, इस ए बी के और इस सी डी पोर्शन के। अब जो बीच वाला पोर्शन बचता है बी सी, वो ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम में आ जाता है, ठीक है। कैसे इक्विलिब्रियम में आएगा, इस फोर्स में से ये जो फोर्स था उसको माइनस कर लीजिए, ठीक है। अगर ये वैल्यू ज़्यादा है तो फिर इस पर कंप्रेसिव फोर्स लग जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, तो ये जो बी सी पोर्शन है ये ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ, इस पर 220 लग रहा है, तो उस 120 को माइनस कर लीजिए तो ये 100 आ गया, और 100 किस तरह आएगा, कंप्रेसिव। इसी तरह से ये पी की वैल्यू 260 है, क्लियर। और इधर 160 लग रहा है, तो 260 में से 160 माइनस कर लीजिए, और 260 ज़्यादा है मतलब वो इस डायरेक्शन में फोर्स आएगा, मतलब बी सी सेगमेंट के ऊपर जो फोर्स आएगा वो कंप्रेसिव डायरेक्शन में आ जाएगा 100 का। तो ये देखिए ये, ठीक है, बी सी पे 100 का ही कंप्रेसिव निकला। मतलब आप अगर गेट के क्वेश्चन करते हैं या इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चन करते हैं, तो उसमें आप इस तरह से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन सेमेस्टर के एग्ज़ाम में हमें पूरा सॉल्व करना होता है तो इस तरह से करिएगा, क्लियर। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए, ए स्टील सर्कुलर बार हैज़ 3 सेगमेंट्स एज शोन इन फिगर, डिटरमाइन द टोटल लॉन्गेशन ऑफ द बार एंड द लेंथ ऑफ मिडिल सेगमेंट टू हैव 0 एलोंगेशन, टेक E इज इक्वल टू 205 पास्कल। देखिए, इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट कि यहाँ पे आपको टोटल इलोंगेशन ऑफ द बार बताना, कि ये एक कैंटिलीवर बार है, इसके तीन सेगमेंट हैं, तीनों सेगमेंट की लेंथ अलग अलग है, तीनों सेगमेंट का क्रॉस सेक्शन एरिया अलग है, और तीनों सेगमेंट पे फोर्स भी अलग अलग लग रहा है, क्लियर। आपसे टोटल इलोंगेशन ऑफ द बार पूछा है, और सेकेंड केस में यहाँ पे जो मिडिल सेगमेंट है उसकी लेंथ कितनी होगी अगर टोटल इलोंगेशन 0 हो जाए तो, ठीक है। ये दो पार्ट हैं क्वेश्चन के, तो हम इसको दो केस में सॉल्व करते हैं। तो शुरुआत करता हूँ, लेकिन सबसे पहले अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो इस फिक्स्ड एंड पे जो रिएक्शन इंड्यूस होगी उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, मैंने आपसे कहा फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ दिस स्टील बार सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब फर्स्ट इक्विलिब्रियम हम इक्वेशन हम अप्लाई करते हैं। इक्वेशन क्या होगी, फर्स्ट इक्विलिब्रियम इक्वेशन, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस का समेशन 0 हो। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक रिएक्शन एज्यूम कर ली आर ए, और इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट एज्यूम कर ली, क्लियर। तो अब देखिए, इक्वेशन अप्लाई करते हैं, टुवर्ड्स लेफ्ट फोर्सेस को नेगेटिव और टुवर्ड्स राइट को पॉजिटिव, तो माइनस आर ए प्लस 300 माइनस 330 और ये प्लस 880, क्लियर। तो ये इक्वेशन बन गई,
और जब इसको सॉल्व किया तो आर ए इज इक्वल टू आया प्लस 50 किलोमीटर। ये प्लस 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर का मतलब है कि जो आपने वैल्यू एज्यूम की थी आर ए की वही आई है, जो डायरेक्शन आपने एज्यूम की थी वही डायरेक्शन निकली है, इसीलिए मैंने लिखा एज एज्यूम देयरफॉर टुवर्ड्स लेफ्ट। क्लियर, देखिए यहाँ पे लिखा मैंने, यहाँ तक क्लियर। अब इसके केस वन की बात करते हैं कि केस वन मतलब टोटल एलोंगेशन ऑफ द बार जो होगा वो कितना होगा। तो उसके लिए मैंने आपसे कहा कि ये तीन सेगमेंट हैं तो तीनों सेगमेंट का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं और तीनों को इक्विलिब्रियम में कंसीडर करके हर सेगमेंट पे कितना फोर्स लग रहा है वो देखते हैं बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो शुरुआत करता हूँ, देखिए यहाँ पे इक्विलिब्रियम ऑफ ईच ब्लॉक। तो सबसे पहले मैं ए बी पोर्शन जो है उसके इक्विलिब्रियम की बात करता हूँ। तो देखिए इस एंड ए पे जो रिएक्शन आपने कैलकुलेट की है वो आया 50, तो मैंने 50 लगा दिया है यहाँ पे, और जो टुवर्ड्स लेफ्ट लग रही है। अब इस बी पोर्शन के राइट साइड में जो भी फोर्स लग रहे हैं वो इस फेस पे लगा दीजिए। तो ये कितना लग रहा था, टुवर्ड्स राइट 300 का, टुवर्ड्स लेफ्ट 330 का और 80 का टुवर्ड्स राइट। मतलब ये तीन फोर्स लग रहे थे बी फेस के इस साइड, मैंने तीनों फोर्स लगा दिए। अब इस ए बी पोर्शन के जो लेफ्ट फेस है उस पर तो 50 का लग रहा है तो वो तो एक ही फोर्स लग रहा है वो लगा दिया मैंने, और राइट वाली जो फेस है उस पर तीन फोर्स लग रहे हैं तो साइन कन्वेंशन लगा लेते हैं, क्या टुवर्ड्स राइट को पॉजिटिव टुवर्ड्स लेफ्ट नेगेटिव, तो प्लस 300 माइनस 330 प्लस 80 वो लिखा है। क्लियर, तो फिर जो टोटल फोर्स आया वो कितना आया प्लस 50, प्लस 50 का मतलब है टुवर्ड्स राइट। ठीक है, मैंने कहा था इस इक्वेशन को लगाने के बाद जो फोर्स आए उसका साइन देखिए, अगर वो प्लस आता है मतलब टुवर्ड्स राइट लग रहा है, और अगर नेगेटिव आता है मतलब टुवर्ड्स लेफ्ट लग रहा है। ठीक है, जब ये फोर्स लग गए, ठीक है, तो फिर मुझे ये पता चला कि जो ए बी पोर्शन है उसके ऊपर जो दो फोर्स कैलकुलेट किए हैं वो बाहर निकलते हुए फोर्स है, मतलब टेंसाइल फोर्स है। तो देखिए मैंने कहा टेंसाइल और उसको पॉजिटिव कंसीडर किया। क्लियर है यहाँ तक। अब बी सी पोर्शन के इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। तो देखिए बी फेस पे जो फोर्स लग रहे हैं बी के लेफ्ट उनको बी फेस पे लगा लेते हैं, और सी फेस के जो राइट साइड में फोर्स लग रहे हैं उसको सी फेस पे लगा लेते हैं। तो देखिए बी के लेफ्ट पे जो फोर्स लग रहा था एक आर ए, तो ये 50 लग गया टुवर्ड्स लेफ्ट, और इस फेस पे 300 का टुवर्ड्स राइट फोर्स लग रहा है तो ये लगा दिया। इसी तरह से सी फेस पे एक, तो ये 330 का लग रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट वो लगा दिया, और ये जो 80 का फोर्स था टुवर्ड्स राइट वो लगा दिया। क्लियर, तो अब बी फेस पर जो टोटल फोर्स आए वो कितने होंगे, दो फोर्स हैं, तो फिर इसमें इक्वेशन लगा लेते हैं टुवर्ड्स लेफ्ट नेगेटिव और टुवर्ड्स राइट पॉजिटिव ये लगा दिया। तो यहाँ पे जो वैल्यू आई वो आई प्लस 250, प्लस 250 का मतलब टुवर्ड्स राइट, तो टुवर्ड्स राइट लगा दिया। क्लियर, अब इसी तरह से जो सी फेस है इस पर भी अपन इक्वेशन लगाते हैं, तो ये टुवर्ड्स लेफ्ट लग रहा है तो माइनस 330 हो गया, और 80 का टुवर्ड्स राइट लग रहा है तो प्लस 80 हो गया। क्लियर, इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए तो जो वैल्यू आई वो आ गई माइनस 250, माइनस 250 मतलब टुवर्ड्स लेफ्ट, तो ये टुवर्ड्स लेफ्ट लगा दिया। क्लियर, माइनस आया, माइनस मतलब टुवर्ड्स लेफ्ट। जब बी सी पोर्शन पे आपको दोनों फोर्स मिल गए तो अब ये देखिए कि वो दोनों फोर्स कहाँ लग रहे हैं, तो ये दोनों फोर्स उस बी सी ब्लॉक को कंप्रेस कर रहे हैं, इसलिए मैंने कहा कि ये कंप्रेसिव फोर्स है और इसकी वैल्यू आप नेगेटिव कंसीडर करिएगा। क्लियर, अब एक लास्ट सी डी पोर्शन के इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। सी फेस के लेफ्ट साइड में तीन फोर्स लग रहे हैं, उन तीनों का लगाया मैंने, इधर 50 का लग रहा था आर ए, 300 का टुवर्ड्स राइट लग रहा है और 330 का टुवर्ड्स लेफ्ट लग रहा है। ठीक है, इसी तरह से डी फेस पे एक ही फोर्स लग रहा है 80 का, वो लगा दिया मैंने। क्लियर, तो देखिए डी फेस पे जो 80 का लग रहा है वो तो लगे गई। अब सी फेस पे तीन फोर्स हैं तो इक्वेशन लगा लेते हैं टुवर्ड्स राइट को पॉजिटिव टुवर्ड्स लेफ्ट नेगेटिव, तो 50 का टुवर्ड्स लेफ्ट तो माइनस 50, ये 300 टुवर्ड्स राइट लग रहा है तो प्लस 300, और 330 का टुवर्ड्स लेफ्ट लग रहा है तो माइनस 330। ठीक है, तो जब ये इक्वेशन, जब ये आपने इक्वेशन अप्लाई कर दी तो अब समीशन कितना रहा टोटल इस फोर्स का 80, और क्या आया वो माइनस 80। जब माइनस 80 आया मतलब ये जो फोर्स है ये कहाँ लगेगा, टुवर्ड्स लेफ्ट। जब ये दोनों फोर्स निकल आए तो फिर देखिए कि ये जो सी डी पोर्शन है इस पे जो दोनों फोर्स लग रहे हैं वो किस डायरेक्शन में लग रहे हैं, वो जो दोनों फोर्स हैं वो आउटवर्ड डायरेक्शन में, मतलब टेंसाइल फोर्स लग रहा है, टेंसाइल लग रहा है, इसलिए मैंने इसको पॉजिटिव कंसीडर किया। क्लियर, तो
बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम फोर्सेस किस तरह से कैलकुलेट करते हैं मैंने उसकी बात की। क्लियर। अब हम डेल्टा चाहिए, टोटल इलॉन्गेशन ऑफ बार चाहिए, तो टोटल इलॉन्गेशन ऑफ बार मैंने ये लिखा केस वन, टोटल इलॉन्गेशन ऑफ बार इज इक्वल टू, जैसे डेल्टा बोला, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा ए बी प्लस डेल्टा बी सी प्लस डेल्टा सी डी। इसमें तीन क्वांटिटीज वेरी कर रही हैं, पी एल बाय ए में से तीन क्वांटिटी वेरी कर रही हैं, क्या क्या, पी एल और ए, ये तीनों लिखा। ई कॉमन था, ई बाहर निकाल दिया। ई की वैल्यू है 205 गीगा पास्कल, गीगा मतलब 10^9 और पास्कल होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, उसको मिलीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो -6 कर दिया मैंने, 10^-6 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब ये एरिया क्या होता है, पाई बाय 4 डी स्क्वायर, तो पाई बाय 4 बाहर निकल दिया क्योंकि सब में कॉमन रहेगा वो। ठीक है, और वैल्यूज को पुट कर दिए। बस ये ध्यान रखना है कि टेंसाइल है तो प्लस लिखा 50, और ये जो बी सी पोर्शन है इसके लिए कंप्रेसिव फोर्स है तो -250 आया, और जो सी डी पोर्शन है उसमें +80 का फोर्स लग रहा है तो +80 आया, मतलब टेंसाइल लग रहा है तो +80 आ गया। क्लियर, इसको सॉल्व कर लीजिए तो फाइनल जो इलॉन्गेशन मिलेगा आपको वो आएगा +0.173 मिलीमीटर। ये इलॉन्गेशन इसलिए बोला मैंने क्योंकि ये पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव आता तो कॉन्ट्रेक्शन बोल देते। क्लियर। अब इसके केस टू में हमसे पूछा है कि मिडिल पोर्शन की लेंथ क्या हो जब टोटल इलॉन्गेशन जीरो हो। अब देखिए यहाँ से मुझे पता है कि ए बी पोर्शन पर टेंसर लग रहा है और सी डी पर टेंसर लग रहा है, मतलब ये दो तो इलॉन्गेट करेंगे, जो कॉन्ट्रेक्शन होगा वो किसके अंदर हो रहा है, सिर्फ बी सी पोर्शन के अंदर। क्लियर। और जब मैंने देखा कि फाइनल इलॉन्गेशन, फाइनल जो डिफ्लेक्शन की वैल्यू है वो क्या है, इलॉन्गेशन, मतलब मुझे ये पता चला कि ये दोनों पोर्शन में जो टेंसाइल फोर्स लग रहा है उसके कारण इलॉन्गेशन ज़्यादा है कंप्रेशन से या कॉन्ट्रेक्शन से। ठीक है, तो बी सी पोर्शन में कॉन्ट्रेक्शन कुछ कम है, तो मुझे बी सी पोर्शन में कॉन्ट्रेक्शन इतना हो जाए कि इन दोनों में जो इलॉन्गेशन आ रहा है वो बैलेंस हो जाए, मतलब तीनों का समीशन ज़ीरो हो जाए। क्लियर। तो देखिए अब आपको बी सी पोर्शन में कॉन्ट्रेक्शन बढ़ाना है तो कैसे बढ़ेगा, वो पी एल अपॉन ए है, पी कॉन्स्टेंट है, ठीक है, एरिया कॉन्स्टेंट है और ई भी कॉन्स्टेंट है, तो चेंज क्या होगा, सिर्फ लेंथ। तो लेंथ जब इंक्रीज होगी तभी जो बी सी पोर्शन है उसके अंदर कॉन्ट्रेक्शन इंक्रीज होगा, तो देखिए आंसर तो ये है कि लेंथ इंक्रीज होगी। अब कितनी इंक्रीज होगी उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, सन मैम मैंने क्या बोला, मैंने आपसे कहा कि ये जो दो पोर्शन हैं ए बी और सी डी, ये दोनों कुछ इलॉन्गेशन ज़्यादा दे रहे हैं सी डी में, जो बी सी पोर्शन में जो कॉन्ट्रेक्शन आ रहा था उससे, समझ में आया, इसीलिए मैंने कहा कि बी सी पोर्शन में अगर कॉन्ट्रेक्शन को इंक्रीज करना है तो फिर आपको उसकी लेंथ बढ़ाना पड़ेगी। अब वो लेंथ कितनी बढ़ेगी उसकी बात करते हैं। तो देखिए टोटल इलॉन्गेशन का फॉर्मूला वही सेम जो यहाँ लिखा था, वही फॉर्मूला यहाँ लिखा मैंने। ठीक है, ये वैल्यूज जो है ये सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे ये जो बीच वाला टर्म था इसमें 200 लिखा था, इसकी जगह एल लिख लीजिए। क्लियर। और जो डेल्टा था उसकी जगह जीरो लिख दीजिए। क्यों? क्योंकि टोटल इलॉन्गेशन जीरो हो तो लेंथ कितनी होगी ये पूछा, तो टोटल इलॉन्गेशन को जीरो कर दिया, लेंथ कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से जब लेंथ कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आई आपके पास 300 मिलीमीटर, पहले 200 थी अब 300 हो गई। क्लियर। मैंने आपसे कहा था कि अगर कॉन्ट्रेक्शन को इंक्रीज करना है तो पी बढ़ाना था या एल, पी कॉन्स्टेंट है तो एल बढ़ाना पड़ेगा, तो एल की वैल्यू 200 से 300 हो गई। क्लियर। अब अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो फिर इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, मैंने आपसे कहा था कि इस पे जो आर ए लग रहा है उतना ही इस फेस पे लगेगा, तो ए बी पोर्शन का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो आर ए के बराबर लग जाएगा उस पे फोर्स, सी डी पोर्शन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो इस 80 के बराबर लग जाएगा। अब बची बात बी सी के इक्विलिब्रियम की, तो बी सी में ये फोर्स ज़्यादा है आर ए से, तो माइनस कर लीजिए 300 में से 50 को माइनस किया, मतलब 250 का कॉन्ट्रेक्शन लग रहा है। इसी तरह से इस साइड से भी चेक हो जाएगा, इधर 330 का टुवर्ड्स लेफ्ट फोर्स लग रहा था, इस 80 को माइनस कर लीजिए तो फिर जो फोर्स बचा वो 250 का बचा, मतलब बी सी पोर्शन पे 250 का कंप्रेसिव फोर्स एक्ट करेगा। मैंने कहा था बी सी पोर्शन ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम में आ जाता है। क्लियर। तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना हो तो इस तरह से कर लीजिएगा। क्लियर।
अब एक गेट में आए हुए क्वेश्चन को और करते हैं। देखिए क्वेश्चन, स्टील रेक्टेंगुलर बार एज शोन इन फिगर, डिटरमाइन द टोटल इलोंगेशन ऑफ द बार, टेक ई इज इक्वल टू 210 गीगा पास्कल। एक कैंटिलीवर बार गिवन है, इसके सेंटर में कहीं एक लोड लग रहा है 80 किलोमीटर का, आपको टोटल इलोंगेशन ऑफ बार बताना है, ठीक है। अब सबसे पहले फिक्स एंड पे एक रिएक्शन कंपोनेंट हम एज्यूम कर लेते हैं, ठीक, उसे मैंने आर ए बोला और टुवर्ड्स लेफ्ट एज्यूम कर लिया, क्लियर। आप चाहें तो टुवर्ड्स राइट भी एज्यूम कर सकते हैं, टुवर्ड्स लेफ्ट ले लिया। अब फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ दिस बॉडी, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तो मैंने फर्स्ट इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज की, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, टुवर्ड्स राइट को पॉजिटिव, टुवर्ड्स राइट को पॉजिटिव, टुवर्ड्स लेफ्ट को नेगेटिव। तो देखिए माइनस आर ए माइनस 80 प्लस 60 इज इक्वल टू जीरो, तो आर ए इज इक्वल टू आया माइनस 20 किलोमीटर। माइनस 20 किलोमीटर का मतलब है कि आपने जो अज्यूम किया उसके अपोजिट आया, ठीक है, तो इसीलिए मैंने लिखा अपोजिट टू एज अज्यूम, देयर फोर टुवर्ड्स राइट, आपने टुवर्ड्स लेफ्ट अज्यूम किया था, ये टुवर्ड्स राइट लग रहा है, क्लियर। अब जब ये आर ए मिल गया, उसके बाद मुझे टोटल इलोंगेशन चाहिए, तो इलोंगेशन कैलकुलेट करने के लिए आपको ये तीन जो सेगमेंट हैं तीनों का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना होगा, और मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे सबसे आसानी से अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है तो आप सबसे पहले इस सी डी पोर्शन का ड्रॉ कर लीजिए, फिर ए बी का कर लेना, बी सी पोर्शन ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले मैंने सी डी पोर्शन बनाया, ये अब यहाँ पे 60 लग रहा है तो इधर भी 60 का लग जाएगा फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ पार्ट सी डी, तो ये बन गया। उसके बाद ए बी पोर्शन देखिए, ए बी पे आपने देखा था कि आर ए की वैल्यू टुवर्ड्स राइट लग रही है और कितने की 20 की, तो ये 20 का लगा दिया, और ए बी के इक्विलिब्रियम के लिए इधर 20 लग रहा है तो इधर भी 20 का लग जाएगा, क्लियर। अब बच्ची बात बी सी की, तो बी सी पोर्शन ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम में आ चुका होगा, कैसे देखिए, इस बी पॉइंट पे 80 का इधर फोर्स लग रहा है, क्लियर। अब इस ए बी पोर्शन को बैलेंस करने के लिए 20 ऑलरेडी यूज हो गया है यहाँ पे, तो बचा कितना 60, तो देखिए इस 80 में से माइनस 20 को माइनस किया तो 60 आ गया, और वैसे भी 80 ज़्यादा है तो 20 माइनस करोगे तो 80 की डायरेक्शन वही रहेगी, मतलब उस फोर्स की डायरेक्शन वही रहेगी, तो ये आ गया 60, और इसको बैलेंस करने के लिए बी सी पोर्शन के लिए इधर भी 60 लगेगा, ठीक है, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ पार्ट बी सी इधर 60 लग रहा है, मतलब इधर भी 60 आएगा, क्लियर। तो चलिए, और वैसे भी इधर 60 है तो इधर 60 आया होगा, तो इधर 60 इधर लग रहा है, तो मतलब ये 60 को बैलेंस करने के लिए इधर 60 का जो फोर्स आया था सी पे वो इधर लगा था, तो इधर इस साइड लगेगा, ठीक है, तो सेकंड चेक भी हो गया। अब मुझे टोटल इलोंगेशन चाहिए, तो टोटल इलोंगेशन हमें मालूम है कि डेल्टा इज इक्वल टू होता है डेल्टा ए बी प्लस डेल्टा बी सी प्लस डेल्टा सी डी, ये वैल्यूज पुट की, क्लियर। अब इसमें तीनों फोर्सेस की वैल्यू को पुट कर लीजिए, लेंथ पुट करिए और एरिया पुट करिए, 1/E कॉमन निकाल दीजिए, तो 1/E कॉमन निकाल दिया, E की वैल्यू 210 गीगा पास्कल है, मतलब 10^9 से मल्टीप्लाई करिए, और पास्कल मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, उसको मिलीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10^-6 लिख दिया, क्लियर। फोर्स ए बी के अंदर कंप्रेशन लग रहा है तो 20 आया, बाकी इन दोनों के अंदर टेंसाइल फोर्स है तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव है, क्लियर। जब इसको सॉल्व किया तो आपके पास में डेल्टा की वैल्यू आई, डेल्टा इज इक्वल टू आया 1.349 मिलीमीटर, और पॉजिटिव साइन है मतलब एक्सटेंशन है, क्लियर। तो गेट में अगर क्वेश्चन आता है तो आप फ्री बॉडी डायग्राम कुछ इस तरह से बनाइएगा, ठीक, अदरवाइज तो मैंने आपको सॉल्व करना बताया ही है। आज हमने एक्सटेंशन ऑफ पार्ट पे बेस्ड न्यूमेरिकल, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से किस तरह से किए जाते हैं उसकी बात की। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की शुरुआत करेंगे। थैंक यू।